तो एक नए व्लॉग में, और ये है कांटा डोली चौक से डोरेंडा तक का फ्लाईओवर का सिचुएशन क्या है। ओके, तो पहले जैसे याद है यहाँ पे ढलाई हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे आई बटन पे लिंक है, चेक दैट आउट, तब पता चल जाएगा। तो पिछले बार ये यहाँ पे ढलाई हो रहा था, जो अभी ढलाई हो चुका है, ठीक है। और ये वाला भी ढलाई हो चुका है, वाह। और ये हो रहा नाली का काम, और यहाँ से सब रोड बनाने के लिए, ये रोड हो गया है और अब आना जाना भी हो रहा है। यहाँ से ऐसे करके स्टार्ट होगा एलिवेशन, जो उसके ऊपर फिर चढ़ा जाएगा। चलो हम लोग भी अब बना हुआ काले रोड पे आ गए। ओरिजिनल रास्ता यही होगा और वो होगा, ये होगा एलिवेशन का स्टार्ट, जो यहाँ से काम शुरू हो गया है। यहाँ पे भी ढलाई का काम हो रहा है। वो यहाँ से एलिवेशन देगा, इसलिए यहाँ पे सब लगा के रखा और काम चल रहा है। मस्त, कभी सबसे चढ़ने दे देना यार, मजा आ जाएगा। यही हो जाता मुश्किल, नहीं तो चढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है। चला जाए। संडे में आने का यही खासियत है, खाली खाली। ओ हो, भाई तू चल जा आगे पहले। यार लुक देखो, यहाँ से ऐसे डाउन स्ट्रीट वहाँ तक पूरा फ्लाईओवर, मजेदार। ओए होए 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 होए, क्या शानदार लुक आ रहा है, सीरियसली शानदार। और यहाँ पे भी कुछ कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जो भी आधा अधूरा ही है। ओ, इसका कास्टिंग हो गया है, ये काफ़ी लंबा काम है ना इसलिए। ओ, यहाँ पे भी तोड़ दिया, यहाँ पे भी तुम्हारा ये बनाएगा, ब्रिज बनाएगा। बहुत धूल है, बहुत ज़्यादा धूल। और रोड के तो क्या कहने। ओए होए होए, इधर चर्च रोड के तरफ आने से जो अपडेट यही है कि भाई यहाँ पे हाफ जो पिलर है इतना ही है, इसको ऊपर वाला अभी तक हुआ नहीं। बस अपना जो ग्रेवयार्ड है कांटा टोली के वहाँ पे, वहाँ तक जो प्रोग्रेस हुआ है बस उतना ही, और यहाँ पे कुछ नहीं, बस आधा हाफ डन है। सब पाइप ला के बैठाया हुआ है या रखा हुआ है यार यहाँ पे, अब ये कहाँ घुसाएगा जी। सबका यही है, इतना ही किया हुआ है। तो ओ हो, देखो जमीन लिया है सेंट पॉल्स का, इतना सारा है जमीन सेंट पॉल्स चर्च का, सब मापी करके जमीन ये किया। देखो यहाँ से यहाँ तक जमीन ले लिया। हम लोग जब चर्च में आते थे, ये जो लाल वाला गेट है यहाँ से घुसा करते थे, अब कहाँ घुस गया है भाई साहब। इधर भी देख लो, यहाँ से इतना चौड़ा हो रहा है,
उधर से भी उतना चौड़ा हो रहा है वो नाली के लिए। वाह, चलो भाई अब देखते देखते पहुंच गए करम टोली। करम टोली का देख लेते, करम टोली में आगे मुझे कुछ काम भी है। हाँ चलो, यहाँ पे तो कम से कम खुला हुआ है। अच्छा तो पिछले बार जब आए थे तब यहाँ पे बस ये लगा के रखा था, देखो वो व्लॉग देख लोगे तो ये सब तो चढ़ गया अभी। वाह मस्त, सब लग गया है। इसका काम बाकी है, इसका हो रहा है, बाकी सब का हो गया। और मुझे जाना है यहाँ पे, तो कुछ ऐसा है यहाँ पे लुक, वाओ वहाँ से वहाँ तक। अब ये रहा पटेल चौक, यहाँ पे ये वाला वहीं पे मशीन अभी भी है, काम हो रहा है उसका। और वहाँ दो को मशीन है ना, मतलब ये ऐसे करके कुछ जाके ऐसे मुड़ेगा, कुछ तो हिसाब है। अब चला जाए सुजाता चौक से जो आके ये फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के ऊपर। हो अब देखा जाए यहाँ पे क्या काम हुआ है नहीं हुआ है। वहाँ पे पहुँच गया मशीन, ऐसे करके आएगा कि क्या यार, पता नहीं किसके ऊपर से आ रहा है फ्लाईओवर, इधर उधर से लगता आ रहा है। हाँ उसके नीचे से होके आ रहा है, तब तो चलना पड़ेगा उधर आज। इसका काम अभी तक यहीं तक हुआ है। ओ यहाँ पे कुछ कर रहा है, ओ इसका ये लग गया, वाह ये भी लग गया यहाँ पे, मस्त। अब यहाँ पर ड्रिलिंग का काम स्टार्ट किया, बिकॉज यहाँ से भी ऐसे करके जाएगा। ओ यार ये देखो, पेड़ वेड़ पूरा काट दिया, और हमको लगता है ये भी बाउंड्री हटाएगा, इधर का भी हटाएगा। वाह क्या खाली खाली लग रहा है भाई साहब। ओहो, ये हो गया जापवान डोरंडा का पोस्ट ऑफिस, और अब इधर काम करना स्टार्ट हुआ, इधर ये कर बना लिया नीचे। वाह काफी प्रोग्रेस हो गया भाई साहब। ओह इधर से नहीं, अच्छा अच्छा अब देखो ये वाला जो क्रेन था उस बार पटेल चौक पे था, अभी यहाँ पे है XCMG। ओहो, यहाँ पे गर्डिंग, ये जो होल्डिंग है इसको चढ़ा दिया, यहाँ पे भी चढ़ गया। ओहो, मस्त मस्त मस्त, तो मज़ा आ जाएगा यार। चलो हर एक मंथ पे इंटरवल पे जो भी हो रहा है मस्त काम हो रहा है। और यहाँ बता से गोल चक्कर बनेगा, एक उधर जाके इधर आएगा, सही है। आज चलेंगे फ्लाईओवर के नीचे से, इंद्रपुरी बोलते हैं शायद, इंद्रपुरी
हाल देखो, वाह, रांची का वन ऑफ द बेस्ट पेट्रोल पंप। अच्छा, यहाँ से भी ऐसे करके निकल रहे हैं। इधर देखो, इतना तक हो गया है और मुझे चलना है इधर, और इसके ऊपर से वाह। भाई साहब, इधर से फ्लाईओवर गुजरेगा यार, अब मुझे ये तो पता नहीं, लगता तो ऐसा ही है। इधर एक ड्रिल कर रहा है, इधर एक ड्रिल कर रहा है, अच्छा उधर भी है। ओहो, सॉलिड। और आ गए अब रांची रेलवे स्टेशन के पीछे साइड। इधर तो देखने के लिए कुछ नहीं है, बस ये एक मशीन यहाँ पे है। इधर भी रास्ता चौड़ा किया है, कुछ तो होगा इधर। अच्छा, इस सब जाके उधर से रेलवे स्टेशन जा रहा है। चलो, ये बस यहीं तक था। तो कांटा टोली से डोरंडा तक का बस यही था, और अब चला जाए घर।